नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। 21,391 पदों पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर आपका जो सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा, ये रजिस्ट्रेशन का रहेगा। सो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। आपको ये इंस्ट्रक्शंस यहां पर रीड कर लेना है। एंड इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद में दोस्तों, आपको यहां पर नीचे जो है प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा। उससे पहले आपको यहां पर चेकबॉक्स पर टिक कर लेना है एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर अपना एप्लीकेशन डिटेल डालेंगे, देखिए यहां पर आपको अपनी एप्लीकेशन डिटेल डालनी होगी। तो एप्लीकेशन डिटेल में आपको कुछ इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन डिटेल डाल लेनी है। यहां पर आपको जो है कांस्टेबल पोस्ट के अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपको अपना फुल नेम डालना है, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या फिर मिडिल नेम, जो भी आपको यहां पर डालना है वो सारी डिटेल आपको डाल देनी है। यहां पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी, मैंने यहां पर इंडियन सेलेक्ट कर लिया। अपने मोबाइल नंबर यहां पर देने होंगे, ईमेल आईडी देनी होगी। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पर कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहां पर नो पर टिक करना पड़ेगा। कौन सी कैटेगरी आपकी है तो यहां पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने लेंगे। इसके बाद में दोस्तों, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर डाल देनी है। इसके बाद में अगर आप बिहार में होमगार्ड के पद पर कार्यरत हैं तो आप यहां पर यस पर कीजिएगा, अदरवाइज आप नो पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहां पर प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर टिक करेंगे तो देखिए यहां पर आपको जो है एक चेकबॉक्स दिया जाएगा, ये चेकबॉक्स आपको टिक करना है। एंड इसके बाद में दोस्तों, आपको यहां पर कैप्चा कोड दिया गया है, सो कैप्चा कोड आपको यहां पर डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको जो है यहां पर ₹180 पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आपको ₹180 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी, तो आपको यहां पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बोला जाएगा कि आपने सारी डिटेल चेक कर लिया। एंड दोस्तों, ये डिटेल डालने के बाद में आप जो है इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। और इसके बाद में आपको वापस जो है श्योर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप वापस ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है नेक्स्ट स्टेप खुल करके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको अपने कार्ड की डिटेल देनी होगी। अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप यहां से यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कि आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, कैश कार्ड, वॉलेट का इस्तेमाल करके भी अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक रिलीज की गई है। आप इस बुक को किसी भी ऑफलाइन स्टोर के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इन बुक को ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस बुक में आपको 3000+ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिनका आपको डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। इसी के साथ में 100% आपके नए सिलेबस के आधार पर ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी। एंड 5 सॉल्व पेपर आपको इस बुक में दिए गए हैं, जिनका आपको डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। सो फ्रेंड्स, नए एग्जाम पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर ये बुक तैयार की गई है। इसी के साथ में चक्षु प्रकाशन की तरफ से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको भी आप परचेज करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं। सो आप सभी के लिए बेस्ट रहने वाली है। आप इस बुक को ऑफलाइन स्टोर के माध्यम से जरूर परचेज कीजिएगा। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इनके ऑनलाइन स्टोर्स के लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, जहां से आप इस बुक को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं उस माध्यम से क्या करेंगे, आप जो पेमेंट को जमा करेंगे, नेट बैंकिंग का भी यहां पे ऑप्शन है, अदर बैंक का भी ऑप्शन है, SBI का भी ऑप्शन है, तमाम बैंक यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट जमा करने के लिए। हम क्या करते हैं, एक पेमेंट को जमा कर लेते हैं। पेमेंट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है और ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देता है उस वेबसाइट पे जहां से आप फॉर्म भर रहे थे। और आपका देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी सब चीज शो होता है और आपको SMS भी मिल गया होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पेमेंट जमा करते हैं और आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन यहाँ पे जो है आपका कॉन्फर्म नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन और अकाउंट से पैसे कट गए, तो उस केस में आपको धैर्य रखना है, 2 दिन 1 दिन वेट करना है और आपको जो है इस हेल्प डेस्क नंबर पे मेल भी कर देना है अगर इस तरह का कोई भी केसेस आता है तो, या सपोर्ट नंबर भी दिया गया है यहाँ पे 4-5, यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्म भी कर देना है कि मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं और मेरा जो है रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है एक डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके जो है पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे।
प्रिंट आउट निकाल लेंगे इसका भी। अब यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं एक नया टैब में जो इस प्रकार से फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जानकारी इंस्ट्रक्शन खुलेगा, आप नीचे आएंगे और यहाँ पे फोटो का गाइडलाइंस वगैरह सब चीज दिया हुआ है, आप एक बार जो है जरूर एक बार पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन का डिटेल्स कुछ खुलेगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको जो तीन प्रीफरेंस देना है, इसमें से देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपको। एक है जिला पुलिस, अगर आपकी जॉब लगती है तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस में डिप्लॉय करेंगे, मतलब जॉब करेंगे। दूसरा ऑप्शन है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी BSAP। एक है अदर यूनिट, अन्य इकाइयां। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है तीन प्रीफरेंस को देंगे, जिसको पहले रखना चाहते हैं उसको पहले आप रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड करके जरूर पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे अपना फादर नेम, यहाँ मदर नेम, यहाँ पे जो है मैरिड है कि अनमैरिड है ये बताएंगे। अपना जो है आधार नंबर लिखेंगे, ऑप्शनल है, देना चाहते दीजिए वरना छोड़ भी सकते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब बॉडी में क्या पहचान है, ये भी आपको यहाँ पे बताना, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है आप बता देंगे। यहाँ जो है फ्रीडम फाइटर के वार्ड है, अगर है तो हाँ करेंगे। और अपनी जो है जानकारी बताएंगे, पोता पोती नाती नतनी क्या है, और सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट वगैरह बताएंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स भरना है, यहाँ पे सबसे पहले 10वीं क्लास की जानकारी भरना है कि आप जो अपना बोर्ड का नाम बताइए। तो सबसे पहले अपना जो है बोर्ड का नाम बता देंगे, जो भी आपका बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने जो है 10वीं पास किए हैं। सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, तो जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे नंबर लिख देंगे, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। इसके वजह से जो है कब आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट इशू हुआ है, आप यहाँ पे जो है वो डेट को चूज कर लेंगे। तो मार्कशीट पे जानकारी रहती है, आप नीचे में देखेंगे तो आपको डेट वहां मेंशन मिलेगा कि कब आपका मार्कशीट जो है जारी हुआ है मैट्रिक वाला। इस तरह से डेट आप चूज कर लेंगे। फिर आपको जो इंटरमीडिएट की जानकारी बतानी है कि कौन से बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट जो है पढ़ाई किया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है सेम पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई आप लिखेंगे। और यहाँ पे जो है पास डेट, यहाँ अगेन जो है क्या करना है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, चूज कर देना है। यहाँ देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, 2023 का ऑप्शन नहीं आएगा, 2022 ही आ रहा है लास्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है स्नातक, तो आप उसकी जानकारी बताइए, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं किए तो इसे छोड़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए तो ऑप्शनल है, बता सकते हैं, नहीं तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप किए तो बताइए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए, ऑप्शनल है। परमानेंट एड्रेस आपको बताना है, जैसे कि आपका यहाँ पे विलेज क्या है, यहाँ पोस्ट लिख दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस, यहाँ थाना लिख दीजिएगा, यहाँ विलेज भी यहाँ लिख सकते हैं, विलेज पूछ रहा है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, यहाँ राज्य चूज करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे। तो जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, यहाँ फ्लैट, हाउस नंबर, बहुत सारा ऑप्शन होते हैं, तो जो आपको उचित लग रहा है उस हिसाब से आप उसको फिल कर दीजिए। और उसकी वजह से पूछ रहा है कि आपका जो है परमानेंट एड्रेस सेम है कोरेस्पोंडेंस की तरह, इसको टिक करेंगे, इधर सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अगर अलग है तो इसको नो ही रहने देंगे और अलग यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है क्रिमिनल केसेस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए आपको बोला गया कि क्या आपको जो है कभी किसी एग्जाम से डिवाइडेड किया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग यस नो बताएंगे। तो ये सब मेरे हिसाब से नो रहेगा, आप पढ़ के देख लीजिएगा। आपके निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, तो ये जैसे आपके अगेंस्ट कोई केस FIR वगैरह जो है किया गया, ये सब जो है आपसे पूछ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बताएंगे और सबको जो है नो कर देंगे। और यहाँ पे अपना जो फोटोग्राफ चूज करना है, फोटोग्राफ का साइज बोला गया है, यहाँ देख सकते हैं कि लेस देन 70 KB, 70 KB से कम होना चाहिए। और आपको जो है अच्छी क्वालिटी की हाल ही का खींचा होना फोटो होना चाहिए, 2 मंथ से ओल्ड फोटो नहीं अपलोड करनी है, यहाँ साफ साफ लिखा 2 मंथ ओल्ड नहीं होनी चाहिए। और जो है इसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो उसी हिसाब से फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस प्रकार से फोटो आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर इंग्लिश वाला और यहाँ पे हिंदी वाला सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, ब्लैक या ब्लू किसी भी इंक से आप जो है सिग्नेचर को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अब क्या करना है, प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे सिंपल है, चूज करेंगे आपका फाइल यहाँ शो हो जाएगा, इसको भी चूज करेंगे तो सिग्नेचर शो हो जाएगा। और ये सब होने के बाद से आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू आएगा, कंफर्मेशन पेज, आप जानकारी को अच्छी तरह से जांच कर लेंगे, अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप बैक जाके सुधारेंगे। या देखिए नीचे में जो है यहाँ एडिट डिटेल्स का ऑप्शन है, नहीं गलती है तो इसको डिक्लेयर करेंगे और इस कैप्चा कोड को भरेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उस तरह से क्या करेंगे आप जो है कैप्चा कोड को भर के और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपसे श्योर कराएगा, आपको ओके करना है, वो अगेन आपको ओके करना है। ओके करते हैं आपका फॉर्म जो है प्रोविजनली सबमिटेड दिखा देगा और यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो प्रिंट आउट इसका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कशन किया कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो है कंप्लीट जानकारी बता दिया फॉर्म भरने का। इस तरह से आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।